वैसे तो ये जो आपका राजस्थान की नदियां टॉपिक है, उसको आप कितना भी पढ़ सकते हैं और कितना भी पढ़ाया जा सकता है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा विस्तृत है। और हमने यहाँ पर कोशिश की है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी जो जरूरी बातें हैं वो आपको बता दी जाएं, जो इसमें पूछे जाने वाली नदियां हैं उन सभी को अपने डिस्कस कर ली हूँ। तो बनाने को 10 वीडियो भी नदियों के टॉपिक पे बना सकते हैं, यानी एक चंबल को भी अपने डिस्कस करें तो भी उसमें 2 वीडियो निकल जाती है दोस्तों। तो हमने यहाँ पर कोशिश की है कि आप जल्दी से इसमें रिविजन कर सकें और सारी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो इसमें आ जाएं दोस्तों। तो चलिएगा शुरू करें आज की क्लास को, हम बात करते हैं राजस्थान की नदियों को। तो देश में जितना जल उपलब्ध है, पहली बात हमारी कि देश में जितना जल उपलब्ध है उसका केवल 1.16% ही राजस्थान में है, यानी राजस्थान में जल की मात्रा तो बहुत ही कम है दोस्तों। अब इसका भी ये जो 1.16% है, यानी राजस्थान में भी जो जो जल है अफवाह अपना लिया है, उसमें से 60.2%, यानी लगभग 60.5% अपने कह सकते हैं, ये जो जल है वो आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत ही आता है दोस्तों। ये आगे भी अपने इसको डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ हम देखें सबसे पहली बात कि अफवाह प्रणाली को प्रवाह के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो 3 भागों में अपने इसको बांट सकते हैं। और ये 3 भाग कौन कौन से हैं दोस्तों? अरब सागर की नदियां हैं, बंगाल की खाड़ी की नदियां हैं और आंतरिक अपवाह की नदियां हैं, जिन्हें हमें डिस्कस करना है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं ये हमारा राजस्थान है, तो राजस्थान में ये जो अरावली है दोस्तों, ये अरावली जल विभाजक का कार्य करती है दोस्तों। किसका काम करती है? जल विभाजक का कार्य करती है दोस्तों। तो इधर तो है हमारा अरब सागर और इधर है हमारी बंगाल की खाड़ी, तो इससे निकल करके इधर जाने वाली जो हमारी नदियां हैं वो अरब सागर में जाती हैं और इधर वाली बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। सीधे बंगाल की खाड़ी में नहीं जाती, ये यमुना से मिलकर के जाती है दोस्तों। तो ये यहाँ से यमुना में जाएगी और यमुना फिर आगे बंगाल की खाड़ी में जाती है, तो इसलिए अपने इसको बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियाँ कहते हैं। कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो राजस्थान में ही विलीन हो जाती हैं, राजस्थान में बहती हैं, जिन्हें अपने आंतरिक अपवाह की नदियाँ भी कहते हैं दोस्तों। तो अरब सागर की जो नदियां हैं वो कितना प्रतिशत है? वो दोस्तों 17% जल लेकर के बैठी हैं। बंगाल की खाड़ी की नदियां 23% है और सबसे ज्यादा जो किसमें आता है? आंतरिक अपवाह प्रणाली की नदियों में आता है दोस्तों। मोस्ट ऑफ कई बार तो एक क्वेश्चन आपका यहीं से पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम, और आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि राजस्थान की जो अपवाह प्रणालियां हैं उसमें कौन कौन सी नदियां हैं और जिन्हें हमें पढ़ना है दोस्तों। दोस्तों थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, तो थोड़ी वीडियो की क्वालिटी को एक बार आप बढ़ा करके देखेंगे तो सारा कुछ दिखाई दे जाएगा आपको। तो यहाँ सबसे पहले हम डिस्कस करें अरब सागर की नदियों को, यानी अरब सागर की ओर जाने वाली जो नदियां हैं हमारी, वो 2 जगह जाकर के गिरती है। एक बंगाल कच्छ की खाड़ी है और एक खंबात की खाड़ी है। कच्छ की खाड़ी में जाने वाली नदियां हैं, एक तो लूणी और एक आती है हमारी पश्चिमी बनास। लूणी से मिलने वाली नदियों में सरस्वती, जोजड़ी, लीलड़ी, सूकड़ी, बांडी और जवाई। जवाई की नदियां हैं खारी, बांडी और सागी। पश्चिमी बनास में एक नदी आती है सीपू। तो ये हमें यहाँ पर इतनी सारी नदियों को डिस्कस करना है। फिर देखिएगा दूसरा पार्ट हमारा है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी में एक साबरमती है और एक माही नदी है। साबरमती के साथ में है हतमती, मेशवा, ये मेशवा है दोस्तों, वाकल है, माजम है, वेतरक है, सेई नदी है। माही की सहायक नदियां जो इसके साथ में मिलती हैं, अनास है, चाप है, मोरेन है, इरू है, लाखन है, सोम है, जाखम है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। फिर हम बात करें बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां, तो ये यमुना की बात अपने कर रहे हैं, तो इसमें बाणगंगा है, गंभीर है, पार्वती है, चंबल है दोस्तों। चंबल में देखिएगा कुराल है, बनास है, बामनी है, पार्वती है, एक हमारी काली सिंध रह जाती है। और बनास के साथ में जो है चंद्रभागा है, कोठारी, खारी, मानसी, मोरेल, बेडच और मैनाल, इनको आगे भी अपने डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। और आंतरिक प्रवाह की जो हमारी नदियां हैं, 3 नंबर हमारी कौन सी रहेगी दोस्तों? आंतरिक प्रवाह की जो नदियां, उसमें गग्गर है, कांतली है, काकनी है, साबी है, मेंथा है, रूपारेल है दोस्तों, एक रूपनगढ़ भी है। तो ये मेंथा है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ हमें जो डिस्कस करना है, यानी हमें याद कौन सी करनी है दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो आपके क्वेश्चन आते हैं, एक तो लूणी नदी में से आता है, ये आपको अच्छे से याद करनी है दोस्तों। फिर आपकी आती है माही नदी, ये आपको अच्छे से याद करनी है। फिर आती है आपकी चंबल नदी, इसके साथ में आपकी आती है बनास नदी, एक आती है आपकी काली सिंध नदी,
ये जो नदियां हैं ये आपसे सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछी जाती है दोस्तों। इसके अलावा आप अगर लेना चाहें तो एक साबरमती को भी ले सकते हैं, बाकी क्वेश्चन तो आपका इन्हीं में से पुट अप हो जाता है। इसके अलावा एक घग्गर नदी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इतना आसान होता है कि आप आराम से निकाल सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों ये मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन यहाँ से आपसे किस प्रकार से पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनता है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर की ओर जाने वाली है या कौन सी बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली है या नहीं है, ऑप्शन के हिसाब से पूछ लेता है दोस्तों। या किसी नदी का उद्गम स्थल पूछ लिया, कौन सी नदी कहाँ पर मिलती है, संगम कहाँ है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों। ऐसे नहीं पूछता कि वो नदी पहले देखिए चित्तौड़गढ़ से निकली, फिर वो उदयपुर में चली गई, फिर वो बांसवाड़ा में, फिर वो राजसमंद में, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है दोस्तों। उनमें आपको दिमाग खर्च नहीं करना है। इस टॉपिक में जितना आप लिमिटेड रहोगे उतना ही फायदे में रहोगे दोस्तों, अन्यथा सारा राजस्थान का भूगोल एक तरफ है और एक तरफ आप नदियों को लेकर के बैठ जाइएगा दोस्तों। फिर भी मैं ये कह सकता हूँ याद उनमें से कुछ भी नहीं होने वाला है, सारा मामला कन्फ्यूजन में ही रहता है। तो चलिएगा शुरू करते हैं एक एक करके और बात करते हैं सबसे पहले नदियों के अपवाह क्षेत्र के विषय में। तो आंतरिक प्रवाह क्रम में ये हमारा अपने डिस्कस कर चुके हैं, चंबल नदी 20.90%, लुणीवाड़ा 10.40% है, माही नदी, और यहाँ से आरएस वगैरह का लेवल हो तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वरना आपको पीडीएफ भी मिलने वाली है दोस्तों, वहाँ से भी आप अच्छे से पढ़ सकेंगे, ई बुक आपको मिलेगी इसकी जिसमें आप पढ़ पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद में बस यहाँ कुछ याद करने वाला नहीं था, ये हमारा राजस्थान का अपवाह तंत्र है दोस्तों। ये हमारी कांतली है, ये घग्गर नदी है, ये साबी आप देख सकते हैं, ये बाणगंगा है, ये मोरेल, ये हमारी चंबल नदी दोस्तों। इसमें देखिएगा बामनी नदी है, पार्वती नदी है, ये हमारी बनास नदी का अपवाह क्षेत्र रह गया, ये हमारी लूणी नदी का क्षेत्र रह गया। तो ये आराम से आपका डिस्कस करने का, ये हमारा ये जो एरिया है ना, ये अंतः प्रवाह का एरिया रह गया। कौन सा एरिया रह गया दोस्तों? ये अंतः प्रवाह का। और ये जो हमारा एरिया रह गया दोस्तों, ये एरिया जो हमारा रह गया ये वाला, ये अरब सागरीय रह गया। और ये जो हमारा बाकी बच गया इधर वाला, ये रह गया बंगाल की खाड़ी वाला। इस प्रकार से तीन भागों में अपने जो हमारा प्रवाह है उस क्षेत्र को अपने बांटते हैं दोस्तों। एक एक करके देखते हैं नदियों को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अरब सागर की नदियों को, और उसमें सबसे पहले आती है हमारी माही नदी। तो दोस्तों माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश में अमरोरू के निकट सरदारपुरा में मेहद झील से होता है। कौन सी झील से होता है दोस्तों? मेहद झील से। कहाँ से होता है? एमपी से होता है, यानी राजस्थान की नदी का उद्गम राजस्थान में नहीं होता है। इसे राजस्थान में यह बांसवाड़ा के खांडू गांव से प्रवेश करती है दोस्तों। कहाँ से प्रवेश करती है ये पूछा जा सकता है? बांसवाड़ा के खांडू गांव से प्रवेश करती है। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ और डूंगरपुर की सीमा पर बहने के बाद में ये अपना जल खंबात की खाड़ी या केम्बे की खाड़ी में डाल देती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कहाँ से निकलती है? अमरूरू की पहाड़ियों से, मेहद झील से, एमपी से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है दोस्तों। लास्ट अपना डूंगरपुर की सीमा पर बहती है। अब इसमें जो हमें कुछ और चीज़ें याद करनी है, राजस्थान में जो इसकी लंबाई है वो 171 है। कर्क रेखा को ये दो बार काटती है क्योंकि ये राजस्थान का हमारा अंतिम छोर इस प्रकार से आती है और इस प्रकार से वापस लौट जाती है दोस्तों। अमरोरू की पहाड़ियों से, ये मेहद झील से यहाँ से निकलती है और फिर ये बहने के बाद में जो है खंबात की खाड़ी में अपना जल डाल देती है। तो ये जो हमारी कर्क रेखा है इसको दो बार काटती है दोस्तों। तो आपसे पूछा जाए कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी तो यही रहेगी, एक जो हमारी दक्षिण से प्रवेश की और वापस दक्षिण में ही लौट गई, ऐसी ये एक ही नदी है दोस्तों। तो कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी हम इसे कहते हैं माही नदी को। और क्या कहा जाता है दोस्तों? माही नदी को आदिवासियों की गंगा कहते हैं, बागड़ की गंगा कहते हैं और दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। एक यहाँ सुजलाम सुफलाम क्रांति है, उसका संबंध भी माही नदी के साथ में ही है। इस पर देखिएगा माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। कौन सा बांध है दोस्तों? कौन सी परियोजना है? माही बजाज सागर परियोजना है, जो राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। अब हमें यहाँ याद क्या करना है, कहाँ से निकलती है? तो याद हो चुका होगा मेहद झील, अमरोरू के पहाड़ियाँ, एमपी से। राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? बांसवाड़ा के खांडू से प्रवेश करती हैं। फिर कहाँ कहाँ बही? बांसवाड़ा प्रतापगढ़ डूंगरपुर की सीमा पर बही और खंबात की खाड़ी में अपना जल ये डाल देती है। राज्य में 171 किलोमीटर ही है और कर्क रेखा को ये दो बार काटने वाली नदी है। कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? दो बार, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आदिवासियों की गंगा किसे कहते हैं? बागड़ की गंगा किसे कहते हैं? दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा किसे कहते हैं? तो यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। माही बजाज सागर कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो इसी पर बना हुआ है और ये
राजस्थान और गुजरात की एक संयुक्त परियोजना अपने मानते हैं दोस्तों। सोम माही जाखम, तो दोस्तों ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, सोम माही और जाखम ये तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम कहाँ है? नवाटापुरा डूंगरपुर में है दोस्तों। कहाँ पर है? डूंगरपुर में है। गुजरात में पंचमहल के रामपुर के नज़दीक माही नदी पर कड़ाना बांध भी बना हुआ है। कड़ाना बांध किस नदी पर है दोस्तों? माही नदी पर ही बना हुआ है, गुजरात में बना हुआ है। ये बारहमासी नदी है, हमेशा बहती रहती है। माही की सहायक नदियों की बात करें, सोम, जाखम, अनास, चाप, हरण, मुरैन, एराव है। यहाँ जो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है वो ये हो सकता है कि निम्न में से कौन सी नदी माही की सहायक नदी है या नहीं है दोस्तों, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ थोड़ा सा मानचित्र में भी अपने इसको देख लेते हैं दोस्तों, ताकि आप समझ पाएं। ये अमरोरू की पहाड़ियों मेहद झील से निकलती है, फिर देखिएगा खंडू बांसवाड़ा से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। इरी नदी यहाँ पर मिलती है इसमें, और फिर माही बजाज सागर बांध भी बना हुआ है दोस्तों। तो ये हमारा बेणेश्वर धाम हो गया, नेवाटापुरा जहाँ अभी अपने बात कर रहे थे। ये सोम है, ये जाखम है, और ये कौन सी रहेगी? ये हमारी माही नदी है, तीनों का संगम यहाँ पर होता है दोस्तों। फिर इसके बाद में गलियाकोट है, जहाँ पर अनास नदी ये हमारी नीचे से आ रही है दोस्तों। ये हमारा गुजरात रह गया, जिसके अपने अभी बात कर रहे थे। कौन सा बांध बना हुआ है? कड़ाना बांध जो है वो इसमें बना हुआ है दोस्तों। फिर ये अपना जल जो है वो खंबात की खाड़ी में डाल देती है। मैप को एक दो बार देखोगे तो याद रह जाएगा दोस्तों। बाकी ये नदी हार्ट नहीं है। कुछ छोटी नदियाँ हैं, इसकी सहायक नदियाँ उसकी बात कर लेते हैं। सोम नदी, सोम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उदयपुर के ऋषभदेव के निकट बाबलवाड़ा के जंगलों में बिछामेड़ नामक स्थान से होता है। कहाँ से होता है दोस्तों? बिछामेड़ा नामक स्थान से होता है। कहाँ कहाँ बहती है? उदयपुर और डूंगरपुर में बहने के बाद में नवाटापुरा डूंगरपुर में ही माही नदी में मिल जाती है। अभी हमने इसकी बात भी की थी दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए फुलवारी के नाल से कौन सी नदी निकलती है, तो सोम नदी जो है वो फुलवारी के नाल उदयपुर से निकलती है दोस्तों। तो कहाँ से निकलती है? ये ऋषभदेव के निकट जो है बिछामेड़ा से निकलती है, उदयपुर से। आगे अगली नदी की अपनी बात करते हैं, जाखम नदी। जाखम नदी का प्रतापगढ़ में छोटी सादड़ी से, ये याद रखिएगा, कहाँ से होता है? जाखम नदी का उद्गम छोटी सादड़ी से होता है। छोटी सादड़ी में भंवर माता की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से होता है। ये प्रतापगढ़ में बहती है, डूंगरपुर में बहती है, और डूंगरपुर में नोखर बिलूरा गांव के निकट सोम नदी में मिल जाती है। कौन से नदी में मिलती है दोस्तों? सोम नदी में ये मिल जाती है दोस्तों। यहाँ एक याद रखने की बात यह है कि ये सीता माता अभ्यारण्य से बहती है। कौन से अभ्यारण्य से बहती है? सीता माता अभ्यारण्य से बहती है। प्रतापगढ़ में इस पर बांध बना हुआ है दोस्तों। कौन सा बांध बना हुआ है? जाखम नदी पर जाखम बांध जो है वो इसी पर बना हुआ है दोस्तों। और ये राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। जाखम बांध कौन सा है दोस्तों? जाखम वो बांध है जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों। तो जाखम नदी कहाँ से निकलती है? प्रतापगढ़ में छोटी सादड़ी में भंवर माता की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से निकलती हैं। सीता माता अभ्यारण्य से भी बहती है, इस पर जाखम बांध बना हुआ है जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध माना जाता है दोस्तों। फिर हम बात करते हैं चाप नदी। चाप नदी कहाँ से निकलती है? बांसवाड़ा में कालिंजरा की पहाड़ियों से निकलती है, बांसवाड़ा में बहती है, और बांसवाड़ा में माही नदी में मिल जाती है। माही की सहायक नदी है। अनास नदी, अनास नदी एमपी के आम्बेर गांव से निकलती है और भेलेड़ा गांव बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है। गलियाकोट के निकट यह माही में मिल जाती है, हमने इसको मानचित्र में भी देखा था। इसकी मुख्य सहायक नदी है, उसका नाम है हरण। इसके बाद में दोस्तों एराव नदी है, ये प्रतापगढ़ से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों? प्रतापगढ़ से, और बांसवाड़ा में माही में मिल जाती है। तो ये सारी के सारी कौन सी नदियाँ थी दोस्तों? ये माही की सहायक नदियाँ हैं, ये आपको अच्छे से याद करनी है। फिर हम अगली नदी की बात कर लेते हैं, लूणी नदी दोस्तों। ये भी हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे मारवाड़ की गंगा भी कहते हैं। और क्या कहते हैं दोस्तों हम इसे? मारवाड़ की गंगा कहते हैं। और इसका प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? इसका प्राचीन नाम है लवणवती। इसे प्राचीन काल में क्या कहते थे? लवणवती कहते थे। अब आपसे पूछा जाए लूणी का उद्गम कहाँ से होता है? तो नाग पहाड़ी अजमेर से होता है, सागरमती के रूप में। किस रूप में होता है दोस्तों? सागरमती के रूप में होता है, अजमेर में नाग पहाड़ियों से। ये पुष्कर की पहाड़ियों से निकलती है, निकलकर आई नदी यह सरस्वती से गोविंदगढ़ में मिलने के बाद में लूणी कहलाती है दोस्तों। पुष्कर की पहाड़ियों से निकलती है और फिर सरस्वती से ये मिलती है गोविंदगढ़ अजमेर में। कहाँ मिलती है दोस्तों? गोविंदगढ़ अजमेर में मिलती है। और उसके बाद में ये क्या कहलाती है? ये लूणी कहलाती है दोस्तों। लूणी नदी कहाँ कहाँ बहती है? अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर में बहती है। ये याद रहे तो ठीक है ज़्यादा दोस्तों, इसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसकी सबसे ज़्यादा लंबाई जो है वो बाड़मेर में है, जबकि न्यूनतम लंबाई इसकी कहाँ है दोस्तों? जालौर में है।
अब इसका उद्गम स्थल यानी जहाँ से ये उद्गम होता है और वहाँ से लेकर के बालोतरा तक तो इसका पानी मीठा रहता है और बालोतरा के बाद में इसका पानी खारा हो जाता है दोस्तों। इसलिए इस नदी को क्या कहा जाता है, आधी खारी और आधी मीठी नदी। अगर आपसे पूछा जाए आधी खारी आधी मीठी नदी कौन सी है तो वो होगी आपकी लूणी नदी दोस्तों। लूणी की सहायक नदी जोजड़ी ये एकमात्र नदी ऐसी है जो लूणी में दाई ओर से मिलती है। किधर से मिलती है दोस्तों, ये जो है वो दाई ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है, इसलिए क्वेश्चन भी आता है। और इसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लूणी की सहायक नदियां हैं सागी, बांडी, जोजड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी, जवाई, सुकड़ी, खारी है। और जालौर में लूणी के बहाव क्षेत्र को, जालौर के अंदर हम लूणी का जो बहाव क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं, रेल या नाडा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों इसे, अपने रेल या नाडा कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ लूणी नदी में क्या याद रखना है, एक तो कि इसका जो उद्गम होता है दोस्तों वो कहाँ से होता है, उद्गम कहाँ से होता है, नाग पहाड़ी से होता है, पुष्कर की पहाड़ियों से बहती है, गोविंदगढ़ में सरस्वती से मिलने के बाद में ये लूणी कहलाती है। और इसका सबसे ज़्यादा लंबाई जो है वो बाड़मेर में, सबसे कम जो है वो जालौर में है, और जालौर में ही इसके बहाव को अपने रेल या नाडा कहते हैं दोस्तों। बालोतरा तक इसका पानी मीठा है फिर खारा हो जाता है, इसलिए हम इसे आधी खारी आधी मीठी नदी के नाम से भी जानते हैं। इसकी एकमात्र सहायक नदी जो जोजड़ी ऐसी है जो हमें दाई ओर से मिलती हुई दिखाई देती है, अरावली से भी नहीं निकलती है दोस्तों। इसलिए ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, परीक्षा में आ जाते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये सरस्वती है और ये सागरमती है, नाग पहाड़ियों से ये देखिए निकलती है। गोविंदपुरा की अभी हमने बात भी की थी, वहाँ पर ये मिलने के बाद में जो है वो क्या कहलाती है, फिर ये लूणी नदी कहलाती है। इसमें देखिएगा मीठड़ी है, मीठड़ी है, बांडी है, सुकड़ी है, जवाई है, और ऊपर से देखिएगा मिलने वाली नदी कौन सी थी जिसकी हमने अभी बात की थी, सिर्फ एकमात्र ऐसी नदी थी जोजड़ी जो ऊपर से आकर के मिलती है दोस्तों, दाही ओर से मिलती है। इसके सहायक नदियों को आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं, मिली, सासू, जो, जवाई, मीठड़ी, लीलड़ी, सागी, सुकड़ी, जोजड़ी और जवाई, है ना। एक और जोड़ दीजिएगा बांडी, इसको आप किसी तरह से बना लीजिएगा, मिली सासू बांडी जो जवाई को, है ना, जवाई को मिली सासू जो थी बांडी, इसको किसी भी प्रकार से आप बना सकते हैं ना। तो घूम फिर करके सासू यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाती है, सासू भी है और यहाँ पे जवाई भी है ना, सासू है तो जवाई भी होगा, इसलिए हमने इसको साथ में ले लिया। फिर ये आकर के कच्छ के रण में विलीन हो जाती है दोस्तों। बात करते हैं अगली नदी की, अगली हमारी नदी है बांडी नदी जो इसकी सहायक नदी है। इसका उद्गम पाली में हेमावास नामक स्थान से होता है। कहाँ से होता है बांडी का, पाली में हेमावास नामक स्थान से होता है। पाली जोधपुर में बहती हुई लाखर गांव में पाली के निकट लूणी में मिल जाती है दोस्तों। मीठड़ी नदी जो है इसका उद्गम स्थल पाली में अरावली की पहाड़ियों से होता है। जोजड़ी नदी है इसका उद्गम नागौर के पांडलू गांव से होता है और जसवंत सागर जोधपुरा के निकट लूणी में मिल जाती है। सुकड़ी नदी इसका उद्गम जो है देसूरी पाली से होता है, देसूरी की नाल है ना, नाम सुना होगा, पाली से होता है। तो और ये समदड़ी बाड़मेर के निकट आकर के लूणी में मिल जाती है दोस्तों। जालौर में बांकली गांव में सुकड़ी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है बांकली बांध। बांकली बांध किस नदी पर बना हुआ है, सुकड़ी नदी पर, बांकली गांव में। फिर अपने बात करते हैं जवाई नदी की, इसका उद्गम पाली में बाली तहसील के गोरिया गाँव से होता है और ये सिवाना बाड़मेर के निकट लूणी में मिल जाती है दोस्तों। तो ये सभी लूणी की सहायक नदियां हैं, मिली, सासू, जो, जवाई, इसको याद रखिएगा दोस्तों। डेफिनेट यहाँ से क्वेश्चन आता है, लूणी की सहायक नदियां परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं दोस्तों, इसीलिए मैं बार बार आप पे जोड़ दे रहा हूँ। ट्रिक वैसे मैं बहुत कम बताता हूँ, जो जरूरी है वही आपको बताई जाती है। साबरमती नदी की बात करते हैं दोस्तों, इसके अलावा कुछ अन्य नदियां हैं। साबरमती जो नदी है उदयपुर में जाडोल में पदरला गांव से होता है। इसका उद्गम को लंबाई इसकी 416 है, राजस्थान में इसकी लंबाई 45 किलोमीटर ही है, लेकिन ये गुजरात की मुख्य नदी है दोस्तों। आपने साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, है ना, तो साबरमती का नाम आपने गुजरात में ही सुना होगा, वहीं की मुख्य नदी है दोस्तों। वाकल नदी इसका उद्गम जो है उदयपुर में गोरा गांव की पहाड़ियों से होता है, यह भी गुजरात में जाके साबरमती से मिल जाती है दोस्तों। पश्चिमी बनास नदी इसका उद्गम सिरोही में सानवारा की पहाड़ियों से होता है, यह कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। इसे छोटी बनास के नाम से भी जानते हैं, पश्चिमी बनास कहीं या फिर छोटी बनास कहीं दोस्तों।
फिर अपने आ जाते हैं अगले चरण के अंदर बंगाल की खाड़ी की जो नदियां हैं उनके विषय में। तो बंगाल की खाड़ी में आती है हमारी चंबल नदी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान की सबसे लंबी नदी तो ये रह जाएगी, पूछा जाए राजस्थान में सबसे लंबी नदी तो रह जाएगी बनास। ये अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि राजस्थान की इसलिए कहा, राजस्थान से उद्गम नहीं होता, बनास नदी राजस्थान में बहती है, इसलिए अपने इसको कह देते हैं दोस्तों। तो सबसे पहली बात, चंबल नदी का उद्गम होता है जनापाव पहाड़ी एमपी से। कहाँ से हुआ दोस्तों? जनापाव की पहाड़ियाँ एमपी से इसका जन्म होता है, उद्गम होता है दोस्तों। राजस्थान में यह चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। राजस्थान में कहाँ से प्रवेश किया? चौरासीगढ़ से। छः जिलों में ये बहती है दोस्तों, और मुरादगंज इटावा मध्य प्रदेश में ये जमुना में मिल जाती है। उसके बाद में दोस्तों बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। कुल लंबाई 966 है, जिसमें से राजस्थान में 135 है। चौरासीगढ़ के निकट ये चूलिया जलप्रपात बनाती है दोस्तों, जो कितना ऊंचा है? 18 मीटर ऊंचा है। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाता है चूलिया जलप्रपात जो है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो कौन सी पे बना हुआ है दोस्तों? चूलिया जलप्रपात जो है वो चंबल नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी पर बना हुआ है। और इस पर देखिएगा रावत भट्टा चित्तौड़गढ़ में इस पर बांध भी बना हुआ है, जो जल भराव की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। कोटा में कोटा बांध है और जवाहर सागर बांध है। कोटा में दो बांध इस पे बने हुए हैं, कुल चार बांध इस पे हैं दोस्तों, एक एमपी में है और तीन राजस्थान में आते हैं दोस्तों। तो यहाँ कुछ और बात कर लेते हैं, चंबल नदी सर्वाधिक अवनालिका अपरदन करती है दोस्तों, इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा बीहड़ भी बनते हैं, तो बीहड़ वाली नदी भी कहते हैं इसको। और सबसे ज़्यादा बीहड़ धौलपुर में है दोस्तों। कोटा शहर चंबल नदी के किनारे बसा हुआ, अगर आपसे पूछा जाए चंबल नदी के किनारे बसा हुआ शहर कौन सा है तो कोटा। इसके सहायक नदियाँ काली सिंध, परवन, आहू, पार्वती, बनास, मांगली, बामनी, निवाज, रेवा, ईज, मेज और गुंजाली, खूब सारी नदियाँ हैं जो इसकी सहायक नदियाँ हैं, जो इसमें कैचमेंट एरिया में आती है, इसमें अपना जल डालती हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ थोड़ा सा मानचित्र के द्वारा भी आप इसको देख सकते हैं, उद्गम जनापाव पहाड़ियों से होता है। फिर ये देखिए गांधी सागर बांध जो आपका एमपी में बना हुआ है, फिर ये चौरासीगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ में। यहाँ से बामनी नदी इसके अंदर मिल रही है भैंसरोडगढ़ में, फिर राजस्थान में आकर के राणा प्रताप सागर बांध इसमें बना हुआ है। इसके बाद में देखिएगा दो बांध हमने कोटा की बात की थी, जवाहर सागर और कोटा बैराज, ये दो बांध जो इसमें बने हुए हैं। इधर से देखिएगा जो इसमें बाएं साइड से जो नदी मिल रही है काली सिंध है, आहू और परवन नदी भी इसके साथ में ही है दोस्तों। यहाँ पालिया गांव है जहाँ पर पार्वती नदी आकर के मिल रही है, जो सीहोर एमपी से आती है। ऊपर रामेश्वरम धाम है जहाँ पर खमनौर से निकलने वाली बनास नदी जो है वो आकर के मिलती है। सीप नदी भी ऊपर से देखो आकर के यहाँ मिल रही है। और लास्ट में मुरादगंज इटावा के पास में जा करके ये यमुना नदी में मिल जाती है, और यमुना फिर इसको बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है दोस्तों। और दोस्तों नदी हमेशा कहते हैं ना, ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। क्यों नहीं जानते भाई? जानते ना, सागर तो कहीं नहीं जाता, सागर तो वहीं रहता है। सागर अपने आप में एक बहुत बड़ी झील होती है दोस्तों। तो नदी बहेगी तो जाएगी तो किसी न किसी सागर में ही, किसी न किसी सागर में ही जाती है, अन्यथा कहीं विलीन हो जाएगी दोस्तों। लेकिन सागर में मस्ट ऑफ वो कहाँ, अगर बारहमासी नदी है तो वो सागर में जाएगी दोस्तों। बात कर लेते हैं अगली नदी की, तो अगली नदी है हमारी बामनी नदी, और ये चंबल की सहायक नदी है। हरिपुरा गांव चित्तौड़गढ़ से ये निकलती है, भैंस रोडगढ़ के निकट चंबल में मिल जाती है, अभी हमने इसको देखा भी था। मेज नदी बिजोलिया भीलवाड़ा से निकलती है और भीलवाड़ा व बूंदी में बहती हुई सोनपुर गांव बूंदी के निकट चंबल में मिल जाएगी। घोड़ा पछाड़ नदी बिजोलिया से निकलती है, सागवाड़ा बूंदी में मांगली नदी में मिल जाती है। और मांगली नदी जो बहती हुई कहाँ पर मिल जाती है? मेज नदी में मिल जाती है दोस्तों। मांगली नदी भीलवाड़ा से निकलकर भीलवाड़ा व बूंदी में बहती हुई बूंदी में बाइंसखेरा में मेज नदी में मिल जाती है। इस पर भीमलत जलप्रपात बना हुआ है, झरना जो बना हुआ है वो इस पर भीमलत जलप्रपात मांगली नदी पर है दोस्तों। काली सिंध नदी जी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के देवास से निकलती है, बिंदा गांव झालावाड़ से राजस्थान में ये प्रवेश करती है। झालावाड़ बारा व कोटा में बहती हुई नोनेरा गांव के निकट जो है वो कोटा के निकट चंबल में मिल जाती है दोस्तों। यहाँ पर इन नदियों का चंबल, काली सिंध और बनास, ये जो नदियाँ हैं ना, नीचे वाली जो नदियाँ, इनका क्रम भी पूछा जा सकता है। तो इस
दाएं और बाएं से, इनका क्रम भी आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों। ये याद कर लेना, मैप आपको मैंने दिखा दिया, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। फिर हम बात करते हैं आहू नदी। आहू नदी ये है सुसनेर मध्य प्रदेश से निकलती है, नंदपुर झालावाड़ में जाकर के राजस्थान में प्रवेश करने के बाद में गागरोन के निकट काली सिंध में मिल जाती है दोस्तों। आहू नदी कहाँ मिलती है? झालावाड़ में काली सिंध में मिल जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर तीन नदियों का संगम हो जाता है। तो गागरोन दुर्ग जो है वो आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ है दोस्तों। ये आपसे बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर बना हुआ किला कौन सा है दोस्तों? तो वो है गागरोन का किला। आहू के किनारे एक अभ्यारण्य भी है जिसे दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से जानते हैं। चंद्रभागा नदी ये सेमली गांव झालावाड़ से निकलती है, खाड़िया गांव के निकट काली सिंध में मिल जाती है दोस्तों। परवन नदी ये बहुत बार पूछी जाती है, ये मालवा के पठार से अजनार व घोड़ा पछाड़ के संयुक्त धारा से निकलने के बाद में खरीबोर गांव झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है और फिर रामगढ़ कोटा के निकट परवन नदी काली सिंध में मिल जाती है। तो ये काली सिंध की सहायक नदी है। इसके बाद में दोस्तों पार्वती नदी की बात करते हैं। पार्वती नदी सीहोर देवास एमपी से निकलती है, फिर करायहाट बारां से राजस्थान में प्रवेश करती है। पालिया सवाई माधोपुर के निकट पार्वती नदी चंबल में मिल जाती है दोस्तों। सवाई माधोपुर में जाकर के एक इसमें मिल जाएगी चंबल में। इसकी सहायक नदियां रेतीली अहेली और अंधेरी हैं। पार्वती राजस्थान व मध्य प्रदेश के मध्य दो बार सीमा बनाती है। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान व मध्य प्रदेश की दो बार सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है, तो वो पार्वती नदी है दोस्तों। फिर अपने बात कर लेते हैं बनास नदी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान की मुख्य नदी है दोस्तों। ये वर्णाशा के नाम से, वशिष्ठी नदी के नाम से भी जानते हैं। इसे हम वन की आशा भी कहते हैं, वन की आशा। पूर्ण बहाव की दृष्टि से, अभी हमने कहा ना पूर्ण बहाव की दृष्टि से यह राजस्थान की सबसे लंबी नदी है क्योंकि राजस्थान में इसका बहाव सबसे ज़्यादा है। इसकी कुल लंबाई जो है वो 480 किलोमीटर है। इसका उद्गम खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से होता है। राजसमंद चित्तौड़ भीलवाड़ा अजमेर टोंक सवाईमाधोपुर में बहती है। उसके बाद में ये रामेश्वरम सवाईमाधोपुर में जाकर के चंबल में मिल जाती है दोस्तों। इसका एक संगम बनता है, त्रिवेणी संगम बनता है, वो कहाँ बनता है? बिंगोद भीलवाड़ा में, जहाँ बनास बेड़च और मैनाल आकर के मिलती है दोस्तों। सवाई माधोपुर में इस पर एक बांध बना हुआ है जिसे ईसरदा बांध के नाम से हम जानते हैं दोस्तों। राजसमंद में नंदसमंद और टोंक में इस पर बिसलपुर बांध बना हुआ है। टोंक में कौन सा बांध बना हुआ है? बिसलपुर, जो पेयजल के लिए भी काम में लिया जाता है दोस्तों। बनास की मुख्य सहायक नदियां हैं बेड़च मैनाल कोठारी खारी मानसी ढील डाई सोहदरा मोरेल और ढूंढ है। इन नामों को आप अच्छे से याद करिएगा दोस्तों। ये हमारी बनास नदी है जिसे आप मानचित्र पे भी देख सकते हैं। खमनोर से निकलती है, नंदसमंद नामक बांध यहाँ बना हुआ है दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा कौन सी नदी है, गोकुंदा से निकलने वाली बेड़च नदी जिस पर उदयसागर बांध बना हुआ है। विंध्य पर्वत से गंभीरी नदी निकलती है। चित्तौड़ से देखिएगा मैनाल नदी है, ये भी आ रही है दोस्तों। और इधर दिवेर से निकलने वाली कोठारी नदी है, यहाँ कोठारी नदी पर बना हुआ बांध कौन सा है? मेजा बांध है। ये बिसलपुर टोंक के अंदर कौन सा बांध बना हुआ है? बिसलपुर बांध बना हुआ है। ये खारी नदी है और ये देखिएगा डाई नदी है, यहाँ पर ये मुरेल नदी है जिस पर मुरेल बांध बना हुआ है। और ये लास्ट में जा करके ये कहाँ मिल जाती है? ये चंबल में मिल जाती है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आगे अपनी बात करते हैं मैनाल नदी के विषय में। सहायक नदियां हैं, यह भीलवाड़ा में मांडलगढ़ की पहाड़ियों से निकल करके बिंगोद भीलवाड़ा में बनास में मिल जाती है। मांडलगढ़ में इस पर मैनाल प्रपात बना हुआ है दोस्तों। कौन सा प्रपात बना हुआ है? मैनाल प्रपात मैनाल नदी पर बना हुआ है दोस्तों। ये हमारी मैनाल नदी है जिसकी अभी अपने चर्चा कर रहे थे दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों बेड़च नदी की बात करें तो बेड़च नदी जो है गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गोगुंदा की पहाड़ियों से। उद्गम स्थल जो है इसका उदय सागर झील तक यह आयड़ और उसके बाद में बेड़च नदी कहलाती है। इसके भी दो नाम हैं, उद्गम स्थल से लेकर के उदय सागर जब तक आती है वहाँ तक आयड़ नदी है और उसके आगे ये बेड़च नदी कहलाती है दोस्तों। चित्तौड़ दुर्ग बेड़च व गंभीरी नदी के संगम पर बना हुआ है। चित्तौड़ दुर्ग कहाँ बना हुआ है दोस्तों? बेड़च और गंभीरी नदी के संगम पर बना हुआ है। फिर हम बात करते हैं कोठारी नदी की। ये कहाँ से निकलती है? राजसमंद में दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है, फिर भीलवाड़ा में नंदराय के निकट बनास में मिल जाती है दोस्तों। कोठारी नदी कहाँ से निकलती है? राजसमंद में दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है और भीलवाड़ा में नंदराय के निकट बनास में मिल जाती है दोस्तों। मांडलगढ़ में इस पर मेजा बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है दोस्तों? मेजा बांध बना हुआ है जो भीलवाड़ा को पेयजल की आपूर्ति करता है।
खारी नदी, ये राजसमंद में बिजराल की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बिजराल से। फिर टोंक में राजमहल देवली के निकट डाई बनास के साथ त्रिवेणी संगम भी बनाती है। ये राजसमंद भीलवाड़ा और अजमेर में बहती है। अजमेर में इस पर बांध बना हुआ है नारायण सागर। अजमेर में कौन सा बांध बना हुआ है दोस्तों? नारायण सागर बांध इसी पे बना हुआ है। आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों आंतरिक प्रवाह की नदी, अंतिम ये हमारा भाग है, घग्गर नदी। तो ये शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती हैं। घग्गर नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? शिवालिक की पहाड़ियों में कालका हिमाचल से ये निकलती हैं, फिर हिमाचल हरियाणा राजस्थान के हनुमानगढ़ गंगानगर में बहती हुई फोर्ट अब्बास बहावलपुर पाकिस्तान तक जाती है जब इसका पूरा बहाव आता है तो, अन्यथा यही दोरों में ही ये विलीन हो जाती है दोस्तों अनूपगढ़ के पास में जाकर के। इसे दृष्टद्वती भी कहते हैं, चौतांग भी कहते हैं, मृत नदी यानी डेड रिवर के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। घग्गर नदी का जो पार्ट है उसे नाली भी कहते हैं। पाकिस्तान में इसे हकरा कहा जाता है जब ये पाकिस्तान में चली जाती है। तो घग्गर नदी का पार्ट यानी किनारा जो है उसे नाली के नाम से भी अपने जानते हैं। इसका एक बग्गी नाम भी आता है दोस्तों, टिब्बी जो इसके पास का क्षेत्र है वहाँ पर कहते हैं दोस्तों। और देखिएगा ये एक ऐसी नदी है जो अपने तट से नीचे है, यानी इसका जो शहर बसा हुआ है वो देखिए नीचे है, इसलिए बाढ़ आती है तो ये कई बार हनुमानगढ़ डूब जाता है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों अगली हमारी नदी है काकनीय नदी या फिर मसूरदी नदी। इसका जो उद्गम स्थल है वो कोटरी गांव जैसलमेर से होता है। कहाँ से होता है दोस्तों? कोटरी गांव जैसलमेर से होता है। ये बुज झील बनाती है और बिज झील बनाती हुई मीठा की खाड़ी में गिर जाती है दोस्तों। अब ये मीठा की खाड़ी क्या है दोस्तों? मीठा की खाड़ी नामक ये स्थान है जो कहाँ है? जैसलमेर में है। जैसलमेर में मीठा खाड़ी नामक एक स्थान है जहाँ पर जाकर के ये जमीन में ही विलुप्त हो जाती है दोस्तों। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। काकनी जो हमारी नदी है इस पर एक कागजी गणेश का मंदिर भी बना हुआ है। कौन से गणेश का? कागजी गणेश का मंदिर भी इसी के ऊपर बना हुआ है दोस्तों। आप इसको इस तरह से याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए ना आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी या फिर सबसे कम लंबी नदी कौन सी है तो यही है। इसकी लंबाई मात्र 17 किमी है दोस्तों। कितने किलोमीटर है? ये 17 किलोमीटर ही लंबी है। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद में अगली हमारी जो नदी आती है कांतली नदी है। तो कांतली नदी जो है केवल वर्षा के मौसम में ही बहती है, इसलिए अपने इसको मौसमी नदी के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों ये मिट्टी का कटाव करती है, जब ये साथ साथ में बहती है तो मिट्टी को काट के ले जाती है, इसलिए अपने इसको कांतली नदी और कांतली नदी के नाम से जानते हैं। कहाँ से निकलती है? सीकर में खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। इसी के किनारे देखिए गणेश्वर सभ्यता भी विकसित हुई थी, जिसे अपने ताम्र युगीन सभ्यता की जननी भी कहते हैं दोस्तों। और आप अगर ये पूछा जाए आंतरिक प्रवाह के अंदर पूर्णतः बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है तो यही आती है, 134 किलोमीटर लंबी है दोस्तों। और ये झुंझुनू जो है उसको दो भागों में बांटती है। क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि ये नदी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। झुंझुनू को दो भागों में ये बांट देती है। खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, सीकर झुंझुनू में बहती है और चुरू सीमा के पहले ही क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की ये सबसे लंबी नदी मानी जाती है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आगे अपने बात कर लेते हैं। अगली हमारी नदी है मेंथा या मेंढा नदी। ये मनोरपुरा जयपुर से निकलती है, जयपुर सीकर नागौर में बहती हुई सांभर झील में गिरती है। मेंथा नदी कहाँ गिरती है? सांभर झील में गिरती है दोस्तों। साबी नदी कहाँ से निकलती है? जयपुर में सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। जयपुर अलवर में बहने के बाद में गुड़गांव के निकट ये पटौदी के दौरों में विलीन हो जाती है। कहाँ? गुड़गांव के निकट पटौदी के दौरों में विलीन हो जाती है। इसे अहिरवाटी की कोसी भी कहा जाता है दोस्तों। अकबर ने इसे साही भी नाम दिया था। रूपारेल नदी, इसका जो उद्गम होता है सरिस्का अलवर के उदयनाथ की पहाड़ियों से होता है। अलवर भरतपुर में बहती है और भरतपुर के कुशल गांव में जाकर के ये विलीन हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारी मुख्य नदियां थी। नदियों से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनके विषय में अपन डिस्कस कर लेते हैं। अजमेर एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ से तीनों प्रकार के अपवाह तंत्र बहते हैं। लूणी डाई रूपारेल नदी यहाँ से निकलती है दोस्तों। ये एक ऐसा जिला है जहाँ से तीनों प्रकार की अपवाह प्रणालियाँ बहती हैं। तो यहाँ एक और फैक्ट अपने देख लेते हैं। उदयपुर में अरब सागरीय और बंगाल की खाड़ी का अपवाह क्षेत्र है। दोनों ही अपवाह क्षेत्र यहाँ से हैं। तीनों कहाँ हैं? अजमेर में हैं। दो कहाँ हैं? उदयपुर में हैं। जयपुर में बंगाल की खाड़ी व आंतरिक अपवाह है। ये दो यहाँ भी हैं लेकिन यहाँ पर बंगाल की खाड़ी और आंतरिक अपवाह है। चूरू और बीकानेर में किसी प्रकार की कोई नदी नहीं है। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जा सकता है दोस्तों।
इसके बाद में दोस्तों सर्वाधिक नदियों वाला संभाग पूछा जाए तो कोटा है। कौन सा है? कोटा है दोस्तों। सर्वाधिक नदियां जो हैं वो चित्तौड़ और उसके बाद में झालावाड़ में है। दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक जरूर करना और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रीट का पूरा सिलेबस केवल आपको यहीं पर करवाया जा रहा है, नहीं बल्कि करवाया जा चुका है। तो चलिए क्या शुरू करते हैं आज की क्लास को और बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख झीलों के विषय में। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि झील अपने किसे कहते हैं। तो कोई भी ऐसी जलराशि का भाग अपने कह सकते हैं जो कि किसी भूखंड को घेरे रहता है दोस्तों। और झील आप सभी ने देखी होगी। यहाँ एक प्रश्न जो आपसे बनता है सामान्य ज्ञान के लिए ही है, हालांकि यहाँ प्रश्नों में ऐसी कोई बात नहीं है कि वो आपसे पूछा जाए। लिम्नोलॉजी जो है अपने किसे कहते हैं, लिम्नोलॉजी। तो दोस्तों झीलों का जो अध्ययन होता है उसे अपने लिम्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। लिम्नोलॉजी क्या होता है? झीलों का अध्ययन, यानी झील किस प्रकार की होती है, झीलों की विशेषताएं क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम किस में देखते हैं, लिम्नोलॉजी में। जैसे बायोलॉजी होती है वैसे ही ये भी एक सब्जेक्ट के रूप में आप इसको देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे अपने ये कहें कि पृथ्वी के हमारे अंदर जो है, जैसे ये हमारा भूपटल है तो इसके नीचे एक प्लास्टिक दुर्बल मंडल है जहाँ पर हॉटस्पॉट होने के कारण, इन शॉर्ट ही मैं आपको समझा रहा हूँ कि कुछ भूगर्भिक हलचलें होती हैं और इन आंतरिक हलचलों के कारण भी झीलों का निर्माण हो जाता है। जैसे कोई गड्ढा बन गया और उसमें पानी भर गया तो वो झील होगी दोस्तों। तो इस प्रकार से आंतरिक, ये कौन सी घटनाएं हैं दोस्तों, आंतरिक है। आंतरिक घटनाओं के कारण जो झील बनती है उसे अपने विवर्तनिक झील कहते हैं। कौन सी झील कहते हैं दोस्तों? विवर्तनिक झील कहते हैं। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि राजस्थान में इस प्रकार की एक झील है। कौन सी झील होगी? नक्की झील जो है वो इसी प्रकार की एक झील मानी जाती है दोस्तों। और इसी प्रकार से एक आपने शब्द सुना होगा काला डेरा, वास्तव में ये कोलडेरा होता है, जैसा भी लिखा हुआ है उसको देख लीजिएगा। तो कोल्डेरा किसे कहते हैं दोस्तों? जैसे मान लीजिएगा ये हमारा कोई ज्वालामुखी है ना, इसे उद्गार निकलता है ज्वालामुखी से। तो ये ज्वालामुखी का मुख जब छोटा होता है तब तो हम उसे कहते हैं क्रेटर, यानी ये मुख क्या है, छोटा है। और कई बार देखिएगा ज्वालामुखी का विस्फोट ज़्यादा था और मान लीजिएगा ये इतना इतना फट गया, और ये जब मुख बड़ा हो जाता है तो इस बड़े मुख को अपने क्या कहते हैं, कोल्डेरा। अब इस क्रेटर में देखिएगा जब पानी भर गया तो उसे अपने क्रेटर झील कहेंगे, कोल्डेरा। अब मान लीजिएगा इस प्रकार का ज्वालामुखी था कि अब उनमें उद्गार जो है वो नहीं होता है, ठंडे हो गए, अब उसमें पानी भर गया तो इस प्रकार से बनी झील को अपने कोल्डेरा झील कहेंगे और ये कहलाती है क्रेटर झील। तो अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि कोल्डेरा जो झील है, इस प्रकार की झील, जैसे एक लोनार झील का नाम आपने सुना होगा महाराष्ट्र में है, उसी प्रकार से राजस्थान में भी कोल्डेरा झील है और काफ़ी फेमस है दोस्तों। पुष्कर जो झील है इसका नाम आपने सुना होगा, ये एक प्रकार की कोल्डेरा झील है। इसी प्रकार से एक और झील है रामगढ़ झील। कौन सी झील दोस्तों? रामगढ़ झील, जो कि बारा में है। ये दोनों झीलें जो हैं वो कोल्डेरा झीलों के नाम से जानी जाती है। कोल्डेरा की श्रेणी में आती है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। वीडियो को अपने छोटा जरूर कर रहे हैं लेकिन हम कुछ छोड़ नहीं रहे हैं, ये भी बात आपको समझ लेनी चाहिए। अब हम देखें कि पानी की जो हमारी गुणवत्ता है उसके आधार पर हम झीलों को दो भागों में बांटते हैं। एक तो मीठे पानी की झीलें होती हैं और एक होती है खारे पानी की झीलें। तो पहले अपने अध्ययन करने जा रही हैं खारे पानी की झीलों को। खारे पानी की झीलें कौन सी हैं? तो दोस्तों एक आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक जो खारे पानी की झीलें हैं वो कहाँ हैं दोस्तों, तो राजस्थान में हैं। सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कहाँ हैं देश में? तो राजस्थान में हैं। और इसके होने का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? इसके मुख्य होने का जो मुख्य कारण अपना रह गया कि ये जो अपनी अरावली रहेगी दोस्तों, अरावली के पश्चिम में ये जो अपना रेगिस्तान रह गया, ये रेगिस्तान माना जाता है टेथिस सागर का अवशेष। किसका अवशेष मानते हैं? टेथिस सागर का अवशेष मानते हैं। और सागर का जल क्या होता है? खारा होता है। इसी कारण यहाँ पर लवणीयता है। इसी के कारण ये जो अरावली है ना दोस्तों, इस अरावली के पश्चिम में जो भी झीलें मिलेंगी वो आपको कैसी मिलेंगी? खारी मिलेंगी। और अरावली के इधर मिलेंगी वो कैसी मिलेंगी? मीठी मिलेंगी। यहाँ वाली प्राकृतिक होंगी तो भी मीठी होंगी दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा अरावली के इधर जो झीलें हैं जो नेचुरल बनी होंगी वो तो कैसी होंगी दोस्तों? खारी झीलें होंगी, क्योंकि कृत्रिम कोई खारी झील तो बनाएगा नहीं।
इस बात को भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। दो प्रकार की झीलें हमें देखनी, एक प्राकृतिक झील और एक कृत्रिम झील। कृत्रिम झील जो किसी के द्वारा बनवाई गई है, तो जाहिर सी बात है बनवाएंगे हम कौन सी, मीठे पानी की झील ही बनवाएंगे ना, हम खारे पानी की झील क्यों बनवाएंगे भाई, है ना। खारे पानी की तो कोई काम आती नहीं, तो खारे पानी की जो झीलें हैं वो लगभग नेचुरली है जो आपको इस साइड में मिलेगी, इधर खारे पानी की झीलें नहीं है दोस्तों। खारे पानी की झीलें कहाँ रह गई, इधर रह गई। इसके रहने का मुख्य कारण अपने कौन सा मानते हैं, टैथिस सागर मानते हैं। और खारे वाले कौन सी है, प्राकृतिक झीलें भी हैं, नेचुरल भी हैं दोस्तों। और यहाँ भी अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान में भी सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें कहाँ हैं, तो वो है नागौर और सीकर जिलों के अंदर। कहाँ रहेगी दोस्तों, नागौर और सीकर जिले के अंदर सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें होती हैं दोस्तों। और राजस्थान में जो खारे पानी की झीलें हैं उसमें NaCl जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है, NaCl। और NaCl की मात्रा सर्वाधिक होती है दोस्तों, यानी कि सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज्यादा है दोस्तों। और सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज्यादा होने का कारण भी क्या है, उसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा भारत के मानचित्र को देखना होगा दोस्तों, तभी हम उस चीज को समझ पाएंगे दोस्तों, है ना। ये इधर वाला साइड ही देख लेते हैं क्योंकि अपने काम का तो यही रह गया, ये हमारा मान लीजिए राजस्थान रह जाता है दोस्तों। इधर कौन सा रह गया, अरब सागर। तो अरब सागर से हमारे क्या आता है, मानसून आता है दोस्तों। तो अरब सागर से जब मानसून की शाखा जो है वो राजस्थान में प्रवेश करती है और अरावली से इधर वर्षा करती है, तो ये अपने साथ में जब जल लेकर आती है तो साथ में लवण लेकर के भी आती है दोस्तों। और ये जो लवणीय जल है वो भारी कणों को यहाँ पर गिरा देती है, और इसी कारण से यहाँ की मिट्टी भी लवणीय हो गई है और यहाँ की झीलें भी क्या हो गई है, खारी हो गई है दोस्तों। अगर आपसे पूछे जाए कि राजस्थान की जो सारी झीलें हैं वो खारे पानी की झीलें कैसी हैं, तो ये वायु निर्मित झीलें हैं। राजस्थान के जो खारे पानी की झीलें हैं वो वायु निर्मित खारे पानी की झीलें मानी जाती है दोस्तों। और रेगिस्तानी जो क्षेत्र अपना रह गया, रेगिस्तान में अपने खारे पानी की झीलों को क्या कहते हैं दोस्तों, प्लाया कहते हैं। ये हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़े थे तब भी हमने उनको देखा होगा दोस्तों। तो चलिएगा आप धीरे धीरे करके एक एक झील को अपने समझते हैं, कौन कौन सी उसकी मुख्य बातें हैं और कौन कौन सी चीजें हमें याद करनी है परीक्षा की दृष्टि से। तो यहाँ सबसे पहले जो झील के विषय में हम बात करने वाले हैं वो है हमारी खारे पानी की झीलों के विषय में तो आपने डिस्कस कर ली है, यहाँ एक बार फिर से समझ लीजिएगा। राज्य में अधिकांश खारे पानी की झीलें आंतरिक अपवाह के क्षेत्र में स्थित है, यानी आंतरिक अपवाह का क्षेत्र। हमने पिछले वीडियो के अंदर बात भी की थी दोस्तों, आंतरिक अपवाह का क्षेत्र कौन सा रह गया, ये वाला क्षेत्र रह गया, है ना। तो इधर ही हमारी खारे पानी की झीलें हैं वो ज्यादा हैं, यहाँ छोटी छोटी नदियां जो हैं वो इनमें गिर करके समाप्त हो जाती हैं। ये जो झीलें हैं उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में पाई जाती है क्योंकि ये टैथिस सागर का अवशेष है। सर्वाधिक खारे पानी की झीलें नागौर में है, फिर सीकर में है दोस्तों, ये अपने डिस्कस कर चुके हैं। सांबर, डीडवाना, पंचवद्रा जिलों पर राजस्थान का राज्य सरकार का प्रशासनिक अधिकार माना जाता है दोस्तों। तो यहाँ जो अपने बात करने वाले थे, सबसे पहले अपने सांबर झील को देख लेते हैं दोस्तों। तो सांबर झील क्या है दोस्तों, खारे पानी की सबसे बड़ी आंतरिक झील है दोस्तों। आंतरिक अपने किस लिए कहते हैं, एक तो समुद्र के किनारे बनी हुई झील हो गई, ये अंतरस्थलीय है इसलिए अपने इसको आंतरिक भी कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है दोस्तों, तो सबसे बड़ी तो रहेगी चिल्का। कौन सी झील रहेगी दोस्तों, चिल्का। तो चिल्का के बाद अगर खारे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील आती है तो वो कौन सी रहेगी, आंतरिक झील तो यही है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सांबर झील जो है चिल्का के बाद भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील मानी जाती है दोस्तों। और ये इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, चिल्का के बाद सबसे बड़ी तो कौन सी है, चिल्का है, लेकिन वो आंतरिक नहीं है। यहाँ पर अगर अपने आंतरिक शब्द जोड़ दें तो फिर कौन सी हो जाएगी, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील यही हो जाती है दोस्तों। और ये नमक भी बनाती है और इससे नमक बनाने का जो कार्य है वो मुगल काल में भी हुआ करता था। तो देख सकते हैं कितना बड़ा इंपॉर्टेंट स्थल है क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा अंतरस्थलीय नमक उत्पादन केंद्र भी माना जाता है। ये कहाँ है तो दोस्तों सांबर झील जो है फुलेरा रेलवे स्टेशन के निकट जयपुर में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों, जयपुर में है, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। अब यहाँ सांबर झील का जो तल है, नीचे से जो तल है वो प्री अरावली की चट्टानों से बना हुआ है। कौन सी चट्टानों से बना हुआ है दोस्तों, प्री अरावली की चट्टानों से बना हुआ है दोस्तों। तो यहाँ एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आपसे बनता है, अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का उच्चतम बिंदु कौन सा है
तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, गुरु शिखर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान का निम्नतम बिंदु कौन सा है, सबसे नीचा स्थल कौन सा है, तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा सांभर झील जो है वो सबसे निचले स्थान पर आती है, यानी वो सबसे नीचे की झील है दोस्तों। अब इसमें देखिएगा कौन कौन सी नदियां अपना जल डालती है, तो मेंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला, यहाँ वास्तव में पांच जो नदियां हैं ना वो इसमें अपना जल डालती है। ये इतनी सारी तो है ही है, इसके अलावा एक और है बांडी का नाला, ये भी अपना जो जल है वो इसके अंतर्गत डालती है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार भी आपने किताबों में देखा होगा, लेकिन वो याद करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। हाँ, नमक उत्पादन करती है और ये देश के कुल नमक का 8.7% उत्पादन करती है, इसलिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना करती है दोस्तों, 8.7% झील में देश के कुल नमक का उत्पादन यहाँ से होता है। इसके साथ में जो है तीन जिलों की सीमा लगती है, कौन कौन से है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक तो जयपुर है, एक हमारा नागौर है, एक हमारा रह गया अजमेर। ये तीन जिले हैं जिनकी सीमा जो है वो सांभर झील से मिलती है दोस्तों, सांभर झील की सीमा इनके साथ में लगती है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए इसका आकार कैसा है दोस्तों, तो इस झील का आकार है आयताकार, काफी इंपॉर्टेंट झील है, इसीलिए मैं इतनी सारी बातें आपसे यहाँ से कर रहा हूँ दोस्तों। तो राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील पूछे, खारे पानी की झील पूछे, तो हमारी यही आती है। और अगर हम बिजोलिया शिलालेख की बात करें तो इस झील का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, वासुदेव चौहान ने करवाया था, अगर इतिहास की माने तो। बाकी हम इसको क्या मानते हैं दोस्तों, प्राकृतिक मानते हैं और खारे पानी की झील मानते हैं, खारे पानी के प्राकृतिक ही हुआ करती है दोस्तों। तो यहाँ एक दो चीजें और हैं डिस्कस करने वाली। यहाँ हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड जो है उसकी सहायक कंपनी है सांभर साल्ट लिमिटेड, वो नमक का उत्पादन करती है दोस्तों। 1990 में इसे रामसर साइट एरिया के अंदर शामिल कर लिया गया था, तो ये हमें जानना जरूरी था। यहाँ पर क्यार पद्धति से नमक निकाला जाता है, कौन सी पद्धति से दोस्तों, क्यार पद्धति से नमक निकाला जाता है, नमक की क्यारियां बना करके। अब यहाँ एक दो चीजें और हैं, जैसे राजहंस है, इसको याद रखिएगा, राजहंस क्या है दोस्तों, राज्य पक्षी है, कहाँ का, गुजरात का, राजहंस गुजरात का राज्य पक्षी है। और एक पक्षी है कुर्जा, ये दोनों यहाँ पर आते हैं दोस्तों विचरण करने के लिए आते हैं। अब कुर्जा जो है वो खिंचन गांव से आती है, ये आपको पता होगा खिंचन गांव कहाँ है, फलोदी जोधपुर में है, यहाँ से आती है दोस्तों। और राजहंस जो है जिसको फ्लेमिंगो भी अपने कहते हैं, विरह का प्रतीक कुर्जा भी है, वो भी यहीं पर आता है, ये यहाँ पर विचरण करने के लिए आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी सांभर झील, इसके बाद में अगली झील की बात अपने कर लेते हैं, पंचपदरा झील। पंचपदरा जो झील है वो कहाँ पर है, सबसे पहली बात ये बाड़मेर में है, याद रखना है आपको, काफ़ी लंबी झील है, 25 किलोमीटर लंबी झील है ये। कितनी लंबी झील है दोस्तों, 25 किलोमीटर लंबी झील है। अगर आपसे सांभर का पूछा जाए ना, तो ये 500 वर्ग किलोमीटर में है, सांभर झील का क्षेत्रफल कितना रह गया, 500 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत आ जाती है। ये 25 किलोमीटर लंबी झील है दोस्तों, पंचपदरा झील की जो अपने बात कर रहे हैं। और इसका जो निर्माण है, लगभग 400 वर्ष पूर्व पंचा नामक भील ने दलदल को सुखा करके किया था, तो किसने बनाया था इसको, पंचा नामक झील ने बनाया था। और ये जो झील है ये एक प्रकार से वर्षा पर आश्रित नहीं है, इसके खुद के जल के स्रोत हैं जिसके कारण ये आती है। इसमें 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है दोस्तों, कितना, 98% सोडियम क्लोराइड यानी NaCl पाया जाता है, और इसीलिए ये सबसे बेस्ट और सबसे खारा नमक माना जाता है, ये सबसे बेस्ट है और सबसे खारा नमक यही माना जाता है। यहाँ पर कुएं बनाकर भी नमक का उत्पादन किया जाता है दोस्तों। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे खारी झील कौन सी है, तो यही रहेगा आंसर, भारत की सबसे खारी झील यानी सबसे ज़्यादा लवणीयता किस में होगी, वो इसी में है। तो पंचपदरा जो झील है, स्वाद के अंदर, ये भी साथ में जोड़ लेना, स्वाद के अंदर सबसे खारी झील कौन सी है, वो हमारी पंचपदरा है दोस्तों, ये सबसे खारा नमक भी माना जाता है दोस्तों। और इसीलिए इसमें खारे होने के कारण जाती है खारवाल, खारा से खारवाल याद रख लीजिएगा, खारवाल जो जाती है वो यहाँ पर नमक का उत्पादन करती है। किस विधि से करती है, तो मोरली नामक झाड़ी है उसको उस पानी में डाल देती है, वो सूख जाती है तो फिर उसको हिला करके नमक उत्पादन कर लेती है।
एक वायु प्रवाह प्रणाली के द्वारा भी नमक उत्पादन यहाँ पर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेस्ता के नाम से जानते हैं दोस्तों। राजस्थान साल्ट वर्क्स के द्वारा 1960 से यहाँ पर नमक का उत्पादन किया जा रहा है। पहले यहाँ पर बहुत सारी खाने हुआ करती थी, लगभग 1920 खाने हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में 197 खाने ही रह गई हैं। तो यहाँ से नमक उत्पादन होता है दोस्तों। एक हमने यहाँ अभी देखा था कि यहाँ से कुएं बनाकर नमक उत्पादन किया जाता है। कैसे किया जाता है दोस्तों, कुएं बनाकर, और इन्हें अपने क्या कहते हैं, कोसिया के नाम से जानते हैं। तो कोसिया क्या है दोस्तों, कुएं हैं जिसमें से अपने नमक बनाने का कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगली झील की ओर, डिडवाना झील में घूमने चलते हैं। तो ये जो डिडवाना झील है ये कहाँ है दोस्तों, ये नागौर में है। ये कहाँ है दोस्तों, नागौर में। हो सकता है मेरी स्पीड आपको ज़्यादा लग रही हो, आपके हाथ में है, आप इसे 0.75 पर कर लेंगे तो थोड़ी कम लग जाएगी। अगर मैं धीरे बोलूँगा तो आप इसको फिर भी 1.5 पे करके आपको सुनना ही है, तो इसको इसी तरह से मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। ज़्यादा लगे तो कम कर लीजिएगा। बाकी मैं ये मानता हूँ कि आप काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं और अभी हमारा जो समय है वो रिवीजन का है, तो हमारी थोड़ी पढ़ने की स्पीड होनी चाहिए। और किसी भी विद्यार्थी के लिए आवश्यक है कि उसकी रीडिंग स्पीड जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए, तभी वो अच्छा स्टूडेंट हो सकता है और अच्छी तरह से याद कर सकता है दोस्तों। तो चलिएगा बात करते हैं हम डिडवाना झील के विषय में। डिडवाना झील कहाँ है, नागौर में है। और इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों, सोडियम सल्फेट पाया जाता है, ये हमें याद रखना है। इसमें सोडियम क्लोराइड नहीं है, ये बात याद रखना, सोडियम क्लोराइड नहीं है बल्कि सोडियम सल्फेट यहाँ पर पाया जाता है दोस्तों। और इसी कारण से यहाँ का जो नमक है वो खाने योग्य नहीं माना जाता है, खाने योग्य नहीं है दोस्तों। यहाँ पर सोडियम सल्फेट संयंत्र भी लगाए गए हैं, लेकिन यहाँ से जो काम होता है वो दोस्तों कौन सा होता है, कागज निर्माण का कार्य यहाँ पर किया जाता है दोस्तों। 1960 में यहाँ पर एक स्टेट केमिकल वर्क्स की स्थापना की गई थी, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की स्थापना की गई थी। और ये क्या है दोस्तों, ये एक प्रकार से उर्वरक कारखाना है। कौन सा कारखाना है दोस्तों, उर्वरक कारखाना है। यहाँ पर निजी संस्थाओं द्वारा नमक निकाला जाता है, जिसे अपने निजी संस्थाओं को हम क्या कहते हैं, देवल। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों और आता भी है दोस्तों। यहाँ कई बार लवणीय क्यारियाँ बनाई जाती है और उनसे भी नमक प्राप्त किया जाता है, जिसे अपने ब्राइन नमक के नाम से जानते हैं। कौन सा नमक कहते हैं दोस्तों, ब्राइन नमक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके अलावा कुछ मुख्य जो खारे पानी की झीलें हैं हमें केवल उनके नाम याद करने की आवश्यकता है। लूणकणसेल झील बीकानेर में है, कावो झील जैसलमेर में है, रेवासा झील सीकर में है, कोछोर झील सीकर में है दोस्तों। तो ये कुछ एक झीलें हैं जिनका नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा एक दो और हैं, आप उनके भी नाम याद रख सकते हैं। जैसे नावा झील जो है वो नागौर में है। कहाँ पर है दोस्तों, नागौर। इसलिए क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ नमक का उत्पादन करती है दोस्तों। भारत सरकार का यहाँ पे संयंत्र भी लगा हुआ है। इसके अलावा बाब झील भी है। बाब झील कहाँ है दोस्तों, जोधपुर में है। कहाँ है, जोधपुर में है। इसके अलावा कुचामन झील कहाँ पर आती है दोस्तों, कुचामन झील आती है नागौर के अंदर। और पीथमपुरी, ये भी याद कर लेना, पीथमपुरी झील कहाँ है दोस्तों, ये सीकर में है। फिर एक आती है पोकरण, रण है ना, रण क्षेत्र, तो ये कहाँ है दोस्तों, ये जैसलमेर में है। पोकरण झील कहाँ है, जैसलमेर में है। रेवासा को अपने पढ़ ही चुके हैं। डेगाना एक और याद रख लीजिएगा, टंगस्टन वाला डेगाना झील कहाँ है दोस्तों, नागौर में है, ये याद रख लेना दोस्तों। तो इतनी झीलें थी जो हमें मुख्यतः याद करनी है। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम और आते हैं मीठे पानी की झीलें। तो मीठे पानी के झीलों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा शहर रह गया उदयपुर। उदयपुर को अपने क्या कहते हैं, झीलों की नगरी, क्योंकि मीठे पानी की सबसे ज़्यादा झीलें यही हैं, इसलिए अपने इसको लेक सिटी भी कहते हैं, झीलों की नगरी भी कहते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं सबसे पहली झील की, जो है हमारी जैसमंद झील या फिर ढेबर झील। तो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन तो अपना यही बन जाता है कि हम इसे ढेबर क्यों कहते हैं दोस्तों। तो ढेबर जो है, ये देखिएगा, गोमती नदी पर बांध बना करके इसको बनाया गया है, और गोमती जो है वो ढेबर दर्रे से आती है, तो इस कारण इस झील को हम क्या कहते हैं, ढेबर दर्रे के नाम से भी जानते हैं। ये कृत्रिम झील है ना दोस्तों, कृत्रिम झील है, बनाई गई है दोस्तों, कृत्रिम झील है। ये उदयपुर में स्थित है और ये राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, नंबर एक बात। और भारत की कौन सी है, भारत की दूसरी है,
तो पहली कौन सी है, गोविंदगढ़ वाली है, सॉरी गोविंद सागर झील है जो हिमाचल प्रदेश में है ना। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, गोविंद सागर है। दूसरी कौन सी, हमारी जैसमन झील है और ये अंतः प्रवाह की झील है दोस्तों। इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण महाराजा जय सिंह ने करवाया था 1685 से 1691 के अंदर ये कार्य करवाया गया था। गोमती नदी पर बांध बनाकर इसको बनवाया गया था दोस्तों। इसमें गोमती के अलावा दो और नदियां भी हैं जो अपना जल डालती हैं, जिसमें एक तो नाम आता है जावरी और एक आती है बागर। जावरी और बागर जो नदियां हैं वो भी यहां पर जल डालती हैं दोस्तों, तो ये हमें थोड़ा सा याद रखना है। इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट है, तो यहां पर 7 टापू हैं दोस्तों। कितने टापू बने हैं इसमें, 7, जिसमें से जिस पर भील और मीणा जनजाति के लोग रहते हैं। और इन टापुओं में से सबसे बड़ा जो टापू है उसे बाबा का भांगड़ा कहते हैं और सबसे छोटे टापू को अपने क्या कहते हैं, प्यारी के नाम से जानते हैं दोस्तों। अब इसमें से सिंचाई के लिए 1950 के अंदर 2 नहरें भी निकाली गई थी। उन नहरों का नाम क्या था दोस्तों, एक तो है श्यामपुरा, एक बटा नहर है। ये 2 नहरें हैं, ये भी निकाली गई थी सिंचाई के लिए, ये निकाली गई थी दोस्तों। लगभग 125 किलोमीटर लंबी हैं ये दोनों, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ना। अब देखिएगा इसमें क्या बनी हुई है दोस्तों, ओदियाँ भी बनी हुई है। कितनी बनी हुई है दोस्तों, 6 ओदियाँ बनी हुई हैं। अब ओदियाँ होती क्या हैं, ओदियाँ असल में अवलोकन स्तंभ होता है दोस्तों, है ना, अवलोकन स्तंभ। आप ऐसा कह सकते हैं कि रियासत काल में ये बनाया गया था, झरोके होते थे जहाँ से हम हिंसक पशुओं को देख सकते हैं, जैसे शेर वगैरह हैं उनको देखा जा सके, उनको देखने के लिए यहाँ से बनाया गया था। और इस झील के किनारे एक कटाफटा पठार भी है दोस्तों, जिसे अपने लासड़िया के पठार के नाम से जानते हैं। लासड़िया का पठार यहीं पर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए अगली झील के विषय में बात करते हैं दोस्तों। तो अगली जो हमारी झील है उसका नाम है पिछोला झील। कौन सी झील आती है दोस्तों, पिछोला झील। अब पिछोला झील कहाँ है दोस्तों, उदयपुर में ही है। इस झील का निर्माण राणा लाखा के समय एक बंजारे ने करवाया था, और इस बंजारे का नाम क्या था दोस्तों, इस बंजारे का नाम था पिच्छू। तो पिच्छू नामक एक चिड़ीमार बंजारा था जिसने अपने बैल की याद में बनाया था। अब कितना प्रेम रहा होगा बैल से ना, किसी ने ताजमहल बनाया तो इसने झील बनवा दी ना, और वो भी किसकी याद में, बैल की याद में। तो बेचारी पत्नी की जगह देखो बैल आ गया ना, बैल की स्मृति में इसने निर्माण करवाया था दोस्तों। महाराणा सांगा ने इसका जीर्णोद्धार करवाने का कार्य किया था दोस्तों। और ये उदयपुर की अपने ऐसा कह सकते हैं सबसे पुरानी झील भी है और सबसे सुंदर झील भी है दोस्तों। सबसे पुरानी और सबसे सुंदर झील भी है। अब हम ये देखें भी हम इसे पिछोला झील क्यों कहते हैं, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। पिछोला झील क्यों कहते हैं दोस्तों, पिछोला झील हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये राजमहल के पीछे बनी हुई है। राजमहल के पीछे बनी होने के पीछे होने के कारण इसका नाम पड़ गया पिछोला झील दोस्तों। अब ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें जलापूर्ति कहाँ से होती है, तो नदियों से ही होती है। वो कौन सी नदियाँ हैं दोस्तों, 2 नदियाँ हैं, एक तो है सिसारमा नदी और दूसरी है बुजड़ा नदी। इन 2 नदियों से जो है इसमें जलापूर्ति की जाती है दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। यहाँ पर एक जो है निवास बनाया गया है, महल है, जगत सिंह प्रथम ने जग निवास महल बनवाया था दोस्तों, तो ये भी यहाँ पर आपको याद रखना चाहिए। जग मंदिर का निर्माण जगत सिंह ने करवाया और जग निवास का निर्माण जगत सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था दोस्तों। और ऐसा माना जाता है कि ये जो जग मंदिर है ना, इसी की प्रेरणा से शाहजहां ने मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया था दोस्तों, तो इसकी झलक भी उसके अंदर आपको देखने को मिलती है, तो इसलिए ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें बिजारी नामक स्थान पर नटनी का चबूतरा भी बना हुआ है दोस्तों। क्या बना हुआ है, नटनी, गल की नटनी जो है ना, गल की नटनी की याद में इसमें एक चबूतरा बना हुआ है दोस्तों। और इसी झील में जिसकी पहली सौर ऊर्जा वाली नाव भी चलाई गई थी, तो इसलिए ये भी जाना जाता है। अगली झील के विषय में बात करें तो वो है हमारी फतेह सागर झील। फतेह सागर झील काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये उदयपुर में देवाली गांव के निकट है। कौन से गांव के निकट है दोस्तों, देवाली गांव के निकट है। और देवाली गांव में स्थित होने के कारण हम इसे देवाली तालाब के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए देवाली तालाब किसे कहते हैं, तो फतेह सागर झील का ही नाम आता है देवाली तालाब। अब देखिएगा इसकी नींव किसने रखी थी, तो इसकी नींव 1678 में ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी। कनॉट ने रखी थी इसलिए अपने इसको कनॉट बांध के नाम से भी जानते हैं, कनॉट बांध के नाम से भी जानते हैं। बाद में इसका
जो निर्माण है महाराजा जय सिंह ने भी 1688 में पुनर्निर्माण करवाया था। दोस्तों फतेह सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, फतेह सागर झील के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, फतेह सागर के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो इसे फतेह सागर भी कहते हैं और इसे देवाली तालाब भी कहते हैं और इसे ही अपने कनोट बांध भी कहते हैं। इसके नीचे ही देखिएगा सहेलियों की बाड़ी जो है ना, वो इसके पास में ही बना हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट SIERT, ये नाम आपने अपनी बोर्ड की किताबों में देखा होगा ना, वो भी यही इसके पास में बना हुआ है। जब आपका सिलेक्शन हो और कभी आप ट्रेनिंग पे जाएंगे तो टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो ये याद रखना है, ये जो झील है वो उदयपुर को पेयजल की आपूर्ति करती है। कौन से को पेयजल की आपूर्ति कहाँ करती है, उदयपुर को ही करती है। बहुत ही सुंदर झील है दोस्तों, कभी उदयपुर जाओ तो इसको जरूर देख के आना। इस झील में नेहरू आइलैंड भी स्थित है। इस झील के किनारे भारत की सबसे बड़ी सौर दूरबीन बनाई गई है दोस्तों। कौन सी दूरबीन लगाई गई है, सौर दूरबीन लगाई गई है। इसका निर्माण बेल्जियम में हुआ था इसका, है ना, और ये फ्रांस और बेल्जियम के सहयोग से स्थापित की गई। इसका वास्तविक नाम क्या है, मास्ट है। इसका नाम क्या है दोस्तों, मास्ट नाम इसका रखा गया है। आगे चलते हैं अपने उदय सागर झील। उदय सागर झील कहाँ है, उदयपुर में। किसने बनवाया, उदय सिंह ने बनवाया। किस नदी को रोक करके, बेड़च नदी को रोक करके उदयपुर में इसका निर्माण करवाया गया था दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है, उदय सिंह ने कौन सी नदी को रोका, वास्तव में तो इसने रोका था आयड़ नदी को। कौन सी नदी को रोका, आयड़ नदी को रोका और इसमें एक बांध बनवाया। और आयड़ नदी इसमें गिरती है और गिरने के बाद में इसमें जो जल ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो आगे ओवरफ्लो होकर के निकल लेता है। तो उसको अपने किस नदी के नाम से जानते हैं, बेड़च नदी के नाम से जानते हैं दोस्तों, है ना। तो इसी का ओवरफ्लो है जो बेड़च नदी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसके बाद में अगली जो हमारी आती है वो है स्वरूप सागर। स्वरूप सागर 1897 में महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ये वास्तव में क्या है, एक तंग झील है जो फतेह सागर और पिछोला को जोड़ने का काम करती है दोस्तों। यहाँ आगे बढ़ते हैं, रासमंद झील की बात करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका निर्माण रासमंद में करवाया और महाराणा राज सिंह के द्वारा करवाया गया था। अकाल राहत कार्य के दौरान इनके द्वारा ये करवाया गया था। कांकरोली जो रेलवे स्टेशन है उसके पास में ही है। इसमें कौन सी नदी का पानी आकर के गिरता है, तो गोमती नदी जो है इसमें अपना पानी डालती है दोस्तों। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। यहाँ इसका उत्तरी भाग जो है वो क्या कहलाता है, नौचुकी कहलाता है, जहाँ पर 25 शिलालेखों पर एक संस्कृत भाषा में उल्लेख लिखा गया है, लेख लिखा गया है, जिसे अपने राज प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों, राज प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। और ये राज प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई थी, रणछोड़ भट्ट के द्वारा संस्कृत में लिखी गई थी। मेवाड़ का इतिहास है दोस्तों, ये मेवाड़ का इतिहास है, लगभग 1917 के आसपास रहे होंगे, इतने श्लोक इसके ऊपर लिखे गए हैं दोस्तों। ये यहाँ 9 सीढ़ियाँ हैं ना, इसलिए अपने इसको नौ चौकी कहते हैं। कितनी सीढ़ियाँ, 9 के कारण हम इसको नौ चौकी कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर दो माता भी हैं, एक माता भी हैं, घेवर माता का मंदिर भी है। बिना पति के जो हैं सती होने वाली ये माता है जो घेवर माता है दोस्तों। इसके अलावा द्वारकाधीश वल्लभ संप्रदाय के प्रधान पीठ है, जिसका मंदिर भी यहाँ पर बना हुआ है दोस्तों। तो ये कुछ एक जानकारियाँ थी जो हमें याद रखनी है दोस्तों। तो जो है इसका प्रारंभ घेवर बाई के द्वारा करवाया गया था, जो घेवर माता के नाम से प्रसिद्ध हो गई थी दोस्तों। ये भी राज्य की दूसरी कृत्रिम झील मानी जाती है, जो सबसे बड़ी थी। और ऐसा कहा जाता है इसको बनाने में 60,000 लोगों ने काम किया था। अब आप देख सकते हैं कितने लोगों को रोजगार मिला होगा, है ना। फिर अपने बात करते हैं नंद समंद झील की। ये राजसमंद में है, इसको राजसमंद की जीवन रेखा कहते हैं। अनासागर झील काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जो निर्माण है अजमेर में 1137 में आना जी ने चंद्रा नदी को रोककर करवाया था। अब ये जाने भी चंद्रा नदी को रोककर के क्यों करवाया था दोस्तों, चंद्रा या लूणी नदी भी कहते हैं। अन्य स्रोत में इसका नाम जो है वो बांडी भी आता है दोस्तों। तो यहाँ ऐसा माना जाता है कि अर्णोराज जो थे, अनाजी यानी अर्णोराज जो थे, तो तारागढ़ जो दुर्ग बना हुआ है, कौन सा दुर्ग, तारागढ़ जो दुर्ग बना हुआ है, तो इस तारागढ़ दुर्ग के पास में मैदान के अंदर ये कहा जाता है तुर्की सेना का बहुत ही भयंकर नरसंहार इनके द्वारा किया गया, जिससे तुर्कों के रक्त और मांस के लोथड़े वहाँ पर पड़े रहे और बहुत ही ज़्यादा गंदगी और बदबू फैल गई और इससे बीमारियाँ फैलने लगी। तो इस बीमारी को दूर करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक प्लान बनाया
और इस प्लान के तहत ही चंद्रा जो नदी है उसको मैदान की ओर मोड़ दिया गया, जिससे सारी गंदगी साफ हो गई। और ये कहा जाता है उसने स्थानीय जनता के सहयोग से इसके चारों ओर एक दीवार बनवा दी। दोस्तों एक दीवार बनवाने के कारण इसमें जल भर गया और इसे अपने आना सागर झील के नाम से जानते हैं। एक बांडी नदी का जल भी यहाँ पर गिरता है दोस्तों। और इससे जहांगीर इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ इस स्थान से कि उसने इसके पास में दौलत बाग का निर्माण करवाया, जिसे अभी सुभाष उद्यान के नाम से जानते हैं दोस्तों। और इसी दौलत बाग या सुभाष उद्यान के अंदर ही जो टॉमस रो थे अंग्रेजों के राजदूत, और उनके साथ में जो वो वार्ता हुई थी दोस्तों, टॉमस रो के साथ ही जहांगीर ने वार्ता की थी दोस्तों। और यहीं पर नूरजहां की मां जो थी असमत बेगम ने गुलाब के इत्र का आविष्कार भी यहीं पर किया था दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हमारी झील है दोस्तों। इसके अलावा एक और झील आती है जो हमारी इम्पोर्टेंट है, फॉय सागर झील। इसका निर्माण भी अजमेर में अकाल राहत कार्यों के दौरान किया गया था 1891-92 में। बांडे नदी पर बांध बनाकर इंजीनियर फॉय के निर्देशन में किया गया था, इसीलिए अपने इसको फॉय सागर झील भी कहते हैं। उस समय इसके ऊपर जो खर्चा लगा था वो था 2,69,000 रुपये। ये याद नहीं करना है दोस्तों, वैसे ही बता रहा हूँ सामान्य ज्ञान के लिए, ताकि आप इसके महत्व को समझ पाए दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों कोलायत झील भी है। कोलायत झील कहाँ है? कोलायत झील बीकानेर में है। इसे शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान भी कहा जाता है। यहाँ सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रम। अगर आपसे पूछा जाए कपिल मुनि का मंदिर कहाँ है, तो वो कोलायत झील के किनारे है दोस्तों, इसी झील के पास में है। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। कब मेला भरता है दोस्तों? कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। और यहाँ पर दीप दान भी होता है। कौन सा दान होता है दोस्तों? दीप दान यहाँ पर किया जाता है दोस्तों। यहाँ एक परंपरा है कि चारण जाति के लोग जो हैं वो यहाँ पर नहीं जाते हैं दोस्तों, तो ये भी एक तथ्य है। इसके बाद में दोस्तों कायलाना झील की बात करें, ये जोधपुर में स्थित एक प्राकृतिक झील है जो जोधपुर शहर को पेयजल की आपूर्ति करती है दोस्तों। जोधपुर की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील भी मानी जाती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगली हमारी झील है, काफ़ी इंपॉर्टेंट झील है, पुष्कर झील। पुष्कर झील की अपनी बात कर लेते हैं। तो पुष्कर झील एक तो अर्धचंद्राकार है, ये याद रखना, कई बार पूछता है कैसा आकार है इसका, अर्धचंद्राकार। पुष्कर अजमेर में है। ये सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील मानी जाती है। और ये कोलडेरा झील है जिसके विषय में अपनी चर्चा कर चुके हैं। राज्य की सबसे पवित्र और प्रदूषित झील भी कौन सी है? यही है, सबसे पवित्र भी है और प्रदूषित भी है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम और वेदव्यास ने महाभारत की रचना इसी के किनारे की थी। तो आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट झील हमारे लिए हो सकती है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिएगा, इसे तीर्थों का मामा भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तीर्थों का मामा भी इसे कहते हैं। इसकी सफाई की जा रही है, कनाडा का सहयोग है। इसके किनारे 52 घाट हैं। घाट किसे कहते हैं? जहाँ पर पेड़ियाँ होती हैं ना, जहाँ पर बैठ करके नहाते हैं। 1805 में मराठों ने गो घाट का और 1911 में मेरी क्वीन ने जनाना घाट का निर्माण करवाया था। ये क्वेश्चन आरपीएससी ने कई बार पूछ रखा है दोस्तों। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, दीपदान बढ़ता है दोस्तों। तो दोस्तों एक याद रखिएगा, जहाँ भी झील होगी कार्तिक पूर्णिमा को दीपदान होता ही है, ये कोई अलग से याद करने की चीज़ नहीं है दोस्तों। यहाँ रंगनाथ, ब्रह्मा और सावित्री माता के मंदिर बने हुए हैं दोस्तों। तो ये कुछ एक फैक्ट थे जो हमें पुष्कर झील के विषय में याद करने थे। पवित्र झील मानते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आती है हमारी नक्की झील, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि देवताओं के द्वारा नाखूनों से खोद करके इसे बनाया गया था दोस्तों, नाखूनों से खोद करके। और वैसे हमने शुरू में ये बात की थी इसके विषय में, ये कौन सी झील है? विवर्तनिक झील में आती है दोस्तों। कौन सी झील में? विवर्तनिक झील के अंदर आती है नक्की झील हमारी। कोलडेरा नहीं कहेंगे अपने इसको, क्या कहेंगे? विवर्तनिक झील, क्रेटर झील का उदाहरण ये माना जाता है दोस्तों। यह राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित एकमात्र जमने वाली सबसे गहरी झील है। यहाँ ग्रासिया जनजाति के लोग आते हैं और अस्थियाँ प्रवाहित करने का कार्य करते हैं। यहाँ पर दो पत्थर हैं जो टोड की तरह और नन की तरह दिखाई देते हैं। तो ये टोड रोक और नन रोक कहाँ हैं? यहीं पर बनी हुई हैं। देवताओं ने नाखूनों से खोद के बनाया, ऐसा भी कहा जाता है दोस्तों। तो जैसा भी हो, क्वेश्चन पे हमें फोकस रखना है, जैसा भी आए वो आपको याद रखना है। यहाँ हाथी गुफा भी है और एक रघुनाथ जी का मंदिर भी है दोस्तों।
अन्य मुख्य जिलों की बात करें तो सिलीसेट झील है, जिसे हम राजस्थान का नंदन कानन भी कहते हैं। नंदन कानन काफ़ी सुंदर है इसलिए कहते हैं दोस्तों। और हमारी मुख्य झील है गैप सागर डूंगरपुर में, कनक सागर जो है वो बूंदी में है, नवलखा बूंदी में है, गजनेर बीकानेर में है दोस्तों, सावन भादो अचलगढ़ सिरोही में, चोपड़ा झील जो है वो है कहाँ है वो पाली में है दोस्तों, तालाब शाही धौलपुर में है। इनके अलावा दोस्तों एक और अपने झील को याद रखना है, रामगढ़ झील। तो रामगढ़ झील कहाँ है दोस्तों, बारा में है। और ये माना जाता है कि इसका जो निर्माण हुआ था वो उल्का पिंड के गिरने से हुआ था। किस कारण से हुआ था, उल्का पिंड से बनी हुई झील कौन सी है, रामगढ़ झील है दोस्तों। गजनेर अभी हमने यहाँ देखा भी था, इसके किनारे जो है गजनेर अभयारण्य भी है। इसके अलावा एक और आप देख सकते हैं तालाब शाही, ये भी आपको याद करनी चाहिए है ना। एक बिसलपुर झील भी है दोस्तों, बिसलपुर झील भी है दोस्तों, बिसल देव ने जिसका निर्माण करवाया था। गैप सागर को आपको विशेषता याद रखना है। तो ये कुछ एक मुख्य झीलें थी जिनको आपको याद रखना है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई।